वेरी वेरी गुड इवनिंग्स, आ जाइए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। ये वन सेकेंड बेहतरीन सेशन आपके लिए होगा। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी, जेएसएससी एंड रेलवे, तो आपको पता है कि जनरल साइंसेस की जो क्वेश्चंस होते हैं कितने इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो मैं 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ को लेके आया हूँ, जिसमें कि यह 16th वॉल्यूम चल रहा है या 16वां क्लास चल रहे हैं। इन दिस क्लास से पहले मैंने 15 क्लासेस को दे रखा है, और अगर 15 क्लासेस की बात करोगे तो अराउंड 150 क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। और बिलीव करो डियर कि सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, और इनसे काफ़ी क्वेश्चन लड़ने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो ऐसे दुख भरी स्थिति में मैं आपके साथ हूँ, ताकि आपके एग्जामिनेशन को बेहतरीन से बेहतरीन बनाया जाए। तो ईजी टू क्रैक सेशन को लेके आया हूँ मैं। ओके, मैं अजीत मेहता सर, इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आप देखोगे साइटोलॉजी के रूप में। आपसे मैं जो सीरीज दे रहा हूँ वो सीरीज में क्या है कि आप ग्रेजुअली टॉपिक वाइज देख पाओगे। बात करते हैं तो ये आपके इकोनॉमिक्स क्लासेस की बात करता हूँ मैं। ओके, जनरल साइंस की बात करता हूँ मैं। ओके, एंड करंट अफेयर्स की बात मैं करता हूँ। दिस इज़ द माई द एरिया ऑफ टीचिंग, योर इंटरेस्टेड एरिया ऑफ टीचिंग एज पर द माई एक्सपीरियंस कंसर्न। चाणक्य IAS अकेडमी, पाठक IAS अकेडमी, अना अकेडमी प्लस एजुकेटर्स एंड एकेडमिक कंसर्न की बात करोगे तो लाइक दैट इकोनॉमिक्स मास्टर एंड केमिस्ट्री से हमारा BSc है। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सो दैट यू आर नॉट लूज एनी सिंगल ऑफ द लेक्चर्स या वीडियोज और एनी द सीरीज ऑफ दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड यू कैन फॉलो मी ओवर टेलीग्राम सो दैट यू कैन डाउनलोड द PDF और यू कैन अपलोड द PDF विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इन द कॉन्टेक्स्ट विद द बायोलॉजी विच अमंग द फॉलोइंग इज ए जू फाइट्स। आपको बताने हैं कि बायोलॉजी के संदर्भ में जू फाइट किसे कहते हैं। जीव विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक जू फाइट है। ओके, ए प्लांट डैट रिजेंबल्स एनिमल, एक प्लांट जो कि एनिमल के जैसा दिखता हो, या एनिमल जो कि प्लांट में रिजेंबल जैसा दिखता हो, या प्लांट डैट ग्रो ऑन एनिमल्स, या एनिमल डैट ग्रो ऑन द प्लांट्स, ये आपको बताने हैं। तो आंसर होगा डियर एन एनिमल डैट रिजेंबल्स प्लांट्स। आप ऐसे भी पकड़ सकते हो, जू मीन्स क्या होता है एनिमल्स, और फाइटा मीन्स क्या होता है प्लांट। तो जब कोई एनिमल प्लांट पर रिजेंबल करता हो उसे मैं क्या कहता हूँ, जू फाइट कहता हूँ, राइट। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, ये क्वेश्चन दो होगा एक्चुअली, मिस्टेकली है। तो द सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू, आपको ये बताने हैं कि दिए गए विकल्पों में से आपको ये बताने हैं कि किसमें सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है, फंगी में, एल्गी में, वायरस में या माइक्रोब्स में। आंसर होंगे डियर वायरस में। आपको पता होगा कि सेल थ्योरी किसने दिया है, तो स्लाइडन एंड स्वान ने आपको क्या दिया है, सेल थ्योरी दिया था। और उन्होंने कहा था कि एक सेल्स से कभी डिजेनेट्स नहीं होता है, ये सेल थ्योरी में हम लोग देख पाएंगे। तो सेल थ्योरी किसमें एप्लीकेबल नहीं है, तो वायरस में। तो आप बात करते हैं वायरस क्या होता है, तो वायरस एक इन्फेक्शियस एजेंट है। यह एक एजेंट है जो कि इन्फेक्शन काउज करता है, इसकी साइज स्मॉल होती है, सिंपल कंपोजिशन होता है, डेट मल्टीप्लाई, ये सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकता है लिविंग सेल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स में और बैक्टीरिया में। इट मीन्स ये हमेशा होस्ट की तरह रहेंगे, इसलिए सेप्रोफाइट का कंडीशन करते हैं। द नेम फॉर्म ए लैटिन वर्ड्स मीनिंग स्लीमी लिक्विड, और ए पॉइजन भी से कहा जाता है लैटिन वर्ड्स में। अगर बात करोगे तो ये वायरस कब से आया, तो 1892 बाय द रशियन साइंटिस्ट डिमिट्री एल लेवोनस्की ने इसकी खोज की थी, और 1819 में डच साइंटिस्ट मार्टिनस डब्ल्यू बेंजरिक ने इसका नाम वायरस करा था, राइट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका आप तो कंटिन्यू कर लीजिए। नेम एंड ऑर्गेनल्स विच सर्व एज अ प्राइमरी पैकिंग एरिया फॉर मॉलिक्यूल डैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल। एक ऑर्गेन का नाम बताइए जो अणुओं के लिए प्राथमिक पैकिंग क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, जो पूरे सेल में वितरित किया जाता है। मतलब ये प्राइमरी पैकिंग के रूप में काम करता है और पूरे सेल में एक्सपेंड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्जी एपरेटस एंड वैक्यूल्स। आंसर क्या होगा, गोल्जी एपरेटस। बात करोगे गोल्जी एपरेटस की, आल्सो इसे हम लोग क्या कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या इसे गोल्गी बॉडी कहते हैं। ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल है ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इट मींस प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं पाया जाता। सेल विद क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस दैट इज मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ फिलामेंटल स्टैक्ड पाउच कॉल्ड सिस्टर्ने। किसे बना होता है, पाउच होता है जिसे क्या कहता है, सिस्टर्ने, जैसे ये
आप देख सकते हो इस तरह से बने होते हैं गॉल्जी बॉडी। तो ये आपका सिस्टर ने है। द गॉल्जी अपरेटस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग। अब बता दें कि इसकी क्या काम है। ये ट्रांसपोर्टिंग करता है, मॉडिफाइंग एंड पैकिंग्स प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इनटू वेसल्स ऑफ टू फॉर द डिलीवरी टू द टारगेटेड डेस्टिनेशन। जिस जगह पर इसको ज़रूरत होती है ये प्रोटीन को लिपिड को सबको क्या कर पैक करता है और पैक करके ले जाके पहुंचाने का काम कहता है। इट इज़ आल्सो लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म। ये कहाँ साइटोप्लाज्म? नेक्स्ट टू द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है उसके बस बगल में ही आपको क्या मिल जाता है तो गॉल्जी बॉडी मिल जाता है एंड नियर टू द सेल न्यूक्लियस। और ये सेल न्यूक्लियस के पास होता है और एंडिकुलर रेटिकुलम के बाद में होता है ये। ओके, तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल पाते हैं। तो अगर गॉल्जी अपरेटस को हम लोग गॉल्जी कॉम्प्लेक्स या गॉल्जी बॉडी भी कहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है ऑर्गेनल्स है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड्स है और ये यूकेरियोटिक का फीचर्स होता है। नेम द प्रोसेस इन विच द इनडाइजेशन ऑफ मटेरियल्स बाय द सेल इज डन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से कोशिकाओं द्वारा सामग्री का अंतग्रहण किया जाता है, मतलब शरीर से बाहर निकाला जाता है। इन विच द इनडाइजेशन ऑफ मटेरियल बाय द सेल इज डन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आंसर होगा इंडोसाइटोसिस। अब देखिए इंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस इन विच इंगेशन ऑफ द मटेरियल बाय द सेल इज डन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और वी कैन से दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल इनटू द सेल बाय इनगल्फिंग इट विथ इट मेम्ब्रेन। मतलब अगर इस सेल के पास अगर कोई मॉलिक्यूल आता है उसको वो इंगल्फ करना चाहता है, ठीक है, इसे कहते हैं इंगेशन या इंडोसाइटोसिस आप कह सकते हैं। तो ये इंडोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा किया जाता है। नेम एन ऑर्गेनिज्म डैट कंटेंस एन सिंगल क्रोमोसोम एंड सेल डिवीजन अकर्स थ्रू द फ्यूजन और बडिंग। आपको बताना है कि किस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल क्रोमोसोम होता है, यूकैरियोटिक, पैराकैरियोटिक, बैक्टीरिया और प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। आंसर होगा डियर प्रोकैरियोटिक। और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कि सिंगल सेल क्रोमोसोम फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एंड डबल सेल क्रोमोसोम फाउंड इन यूकैरियोटिक्स। तो बात करते हैं प्रोकैरियोटिक्स की। तो प्रोकैरियोटिक्स कंटेन्स ए सिंगल क्रोमोसोम एंड सेल डिवीजन अकर्स थ्रू द फ्यूजन एंड बडिंग। तो जिसमें सिंगल क्रोमोसोम होंगे उसमें सेल डिवीजन कैसे होगा? फ्यूजन से होगा और बडिंग से होगा। द यूजुअल मेथड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन इज टर्म एज बाइनरी फ्यूजन। और इसका जो यूजुअल मेथड है उसका नाम क्या है? बाइनरी फ्यूजन है। द प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम इज ए सिंगल डीएनए। और ये जो प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए होता है वह क्या होता है? सिंगल डीएनए होता है मॉलिक्यूल दैट फर्स्ट रेप्लिकेट देन अटैच ईच कॉपी टू ए डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। और ब्लू ग्रीन एल्गा, बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक्स। नेम द प्रोसेस इन विच द मेम्ब्रेन ऑफ ए वेसल्स कैन फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सट्रूड इट्स कंटेंट टू द सराउंडिंग मीडियम। इस प्रोसेस को आपको बताना है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चीज़ों को बाहर ले जाता है। ओके, आंसर होगा एक्सोसाइटोसिस। जो बाहर से अंदर लाता है इंडो और अंदर से बाहर ले जाता है वो एक्सो। द एक्सोसाइटोसिस इज द प्रोसेस इन विच द मेम्ब्रेन ऑफ द वेसल्स कैन फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सट्रूड इट्स कंटेंट टू द सराउंडिंग। आप देख सकते हैं कि आप इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोटिक सेल है, ये क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आप देख लो डियर, आउटर मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है, ये कैप्सूल्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोइड रीजन है, राइबोसोम है, पिल्स है एंड फ्लेजला होता है इसके अंदर। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक में तो आप देख सकते हो क्रोमेटीन, न्यूक्लियस, गॉल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, फ्लेजलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोसोल, वेसल्स, सेंट्रियोल्स, माइटोकॉन्ड्रियन एंड माइक्रोट्यूबल्स। ये सारे यूकैरियोटिक्स के करैक्टर्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि सेल को कैसे, तो जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा होता है सेलुलर ऑर्गेनिज्म। Do not contain any cell in their body, that is virus. तो virus is a non-cellular organism, पहली बात। दूसरा, they contain either one or many cells, like bacteria, plants and animals.
अब ये जो सेल ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं या फिर यूकैरियोटिक होते हैं। ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल दैट इज प्रोकैरियोटिक। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो एब्सेंट, कंटेंट्स ए सिंगल क्रोमोजोम, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करके राइट डाउन कर लो। सिंगल क्रोमोजोम होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल यहाँ पे एब्सेंट होता है, सेल डिवीजन बाय फीजिंग एंड बडिंग होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, ये बताइए कि प्रोकैरियोटिक में जो सेल डिवीजन होता है वो कैसे होता है, तो आप क्या बताओगे, फीजन या बडिंग के थ्रू होता है। और एग्जाम्पल क्या हो गए, बैक्टीरिया, सो बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक्स, साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक, ब्लू ग्रीन एल्गा आर द प्रोकैरियोटिक्स। अब यूकैरियोटिक की बात करते हैं, एडवांस होगा, कंप्लीट सेल होगा, लाइफ नंबर साइज होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, कंटेंस मोर देन वन क्रोमोजोम, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया ईटीसी आर प्रेजेंट एंड सेल डिवीजन अकर्स बाय माइटोटिक एंड मियोसिस। यहाँ पे माइटोटिक एंड मियोसिस आपसे पूछ देगा, माइटोटिक एंड मियोसिस सेल डिवीजन किस में होता है, तो यूकैरियोटिक्स में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द स्टेज विच सर्व एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। आपको पता होगा जब सेल डिवीजन होता है तो इसमें मियोसिस के दो स्टेज होते हैं, वन एंड टू। आपको बताना है कि कौन सा जो है इंटरकनेक्टिंग लिंक का काम करता है, तो इसका आंसर होगा डियर इंटरलिंकेज, आंसर इज योर इंटरलिंकेज कनेक्टिंग द मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट स्टेज इन द सेल साइकिल। जब आपका सेल डिवीजन होता है तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होता है, इंटरफेज, एनाफेज, मेटाफेज एंड नन ऑफ दिस। आंसर होगा डियर इंटरफेज, इंटरफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंटरफेज इज द डेली लिविंग्स और मेटाबॉलिक फेज ओके ऑफ द सेल इन विच द सेल ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स एंड मेटाबोलाइज देम, ग्रो, रेप्लिकेट इट्स डीएनए, इज प्रिपरेशन फॉर द माइटोसिस एंड कंडक्ट अदर नॉर्मल सेल फंक्शन। तो डेली इसमें डिवीजन आपको देखने को मिलता है, अदर नॉर्मल फंक्शन के लिए भी इसमें डिवीजन होता है। सो लॉन्गेस्ट फेज क्या होगा, आप देख सकते हो इसमें आपको दिख रहा है इंटरफेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज माना जाता है, सो आंसर इज योर इंटरफेज। क्लियर, माइटोसिस कैन बी ऑब्जर्व इन, माइटोसिस की क्रिया को आप ऑब्जर्व कर सकते हो पॉली हैप्लोइड इंडिविजुअल्स, डिप्लोइड इंडिविजुअल्स, हैप्लोइड इंडिविजुअल्स, बोथ। आंसर होगा बोथ, वन टू एंड थ्री, ये तीनों में आप माइटोसिस डिवीजन को प्राप्त कर पाओगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोजोम स्ट्रक्चर्स कैन बी ऑब्जर्व बेस्ट ड्रॉइंग। जो क्रोमोजोम की जो स्ट्रक्चर होता है उसको ठीक से किस फेज में देखा जा सकता है, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज एंड नॉन ऑफ द एबव। आंसर होगा डियर मेटाफेज। तो मेटाफेज में आप क्रोमोजोम को बहुत अच्छे तरीके से देख पाओगे, राइट। आइए, मेटाफेज इज ए स्टेज इन द सेल साइकिल वेयर ऑल जेनेटिक मटेरियल इज कंडेंसिंग इन टू द क्रोमोजोम। जहाँ पे जितने भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो क्रोमोजोम के रूप में कंडेंस कर जाते हैं ओके। दिस क्रोमोजोम दैन बिकम विजिबल्स During this stage, the nucleus disappear and the chromosome appear in the cytoplasm of the cell. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एनालिसिस है कि मेटाफेज में आप क्रोमोजोम को देख पाते हो, देख रहे हो इसमें क्रोमोजोम क्या है पूरी तरह से आपको दिख पा रहे हैं। तो क्रोमोजोम लाइन अप अलॉन्ग मेटाफेज प्लेट दैट इज इमेजिनरी प्लेन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप नीड बोथ लैंड एंड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो किस प्लांट ग्रुप में लैंड एंड वाटर, या ऐसा कौन सा प्लांट जो लैंड और वाटर दोनों में पाया जाता है, दैट इज ट्रेकियोफाइटा। आंसर क्या होगा डियर, ट्रेकियोफाइटा, या इसे एम्फीबियम ऑफ द प्लांट्स भी कह सकते हैं। ट्रेकियोफाइटा इज अ कैटेगरी ऑफ वैस्कुलर प्लांट, इसमें वैस्कुलर होते हैं मतलब इसमें जाइलम और फ्लोएम होंगे, विच इंक्लूड्स द टेरिडोफाइट्स ओके, जिम्नोस्पर्म, मीन्स टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म and the angiosperms as the plant of this three division having the vascular tissues that is xylem and phloem, और xylem से जल जाता है डियर और phloem से fruits आता है, fruits में उसके भोजन आते हैं and xylem contains trachea और trachea elements, that's why this is tracheophytes या tracheophyta, a plant that has seeds but no flower and fruits। ऐसे पौधे का नाम बताइए जिनके पास सीड है बट कोई फ्लावर और फ्रूट्स नहीं है, दैट इज जिम्नोस्पर्म।
जिम्नोस्पर्म बिलोंग टू द किंगडम प्लांटी, तो जिम्नोस्पर्म किस किंगडम से बिलोंग करता है, प्लांटी से, एंड सब किंगडम एम्ब्रायोफाइटा, और सब किंगडम क्या है डियर, एम्ब्रायोफाइटा है। द फॉसिल इविडेंस सजेस्टेड दैट दे ओरिजिनेट ड्यूरिंग द पैलियोजोइक एरिया, तो फॉसिल रिकॉर्ड से पता चलता है ये पैलियोजोइक एरा में या 390 मिलियन ईयर एगो ये देखने को मिला था, कौन, जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटा है, आप जानते हैं डियर। बेसिकली जिम्नोस्पर्म प्लांट्स आर विच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज विद द ओवरी वॉल अनलाइक द एंजियोस्पर्म, ओके, सो इट कंटेन एक्सपोज बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड बिफोर डेवलपिंग इन टू द सीड्स। द जिम्नोस्पर्म कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, द थिक क्यूटिकल्स नीडल लाइक लीव्स एंड सनकीन स्टोमाटा रिड्यूस द रेट ऑफ वाटर लॉस इन दिस प्लांट, तो जिम्नोस्पर्म के प्लांट जो होते हैं वो कांटेदार होते हैं। द फैमिली ऑफ जिम्नोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ कॉनिफर्स, द साइकस, कैटकस, अच्छा जीनोटाइप्स एंड द स्पेसीज ऑफ जिनको फाइटा डिविजन एंड जिनको बायोलवा, ये सब सारे क्या हैं, जिम्नोस्पर्म के पार्ट हैं, ओके। सो ये सारे हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए डियर। आप मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे अजीत मेहता, @ofAjeetMehta, एमिनेंट ट्यूटोरियल आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे, ओके। आप डाउनलोड कर सकते हो AAA Smart Institutes फॉर योर फ्री ऑनलाइन टेस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स, ओके। सो एनी क्यूरीज इन योर माइंड्स, काइंडली फॉलो मी टेलीग्राम्स और कॉन्टैक्ट विथ मी दिस नंबर, बट रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब, शेयर, likes and keep on your bell icon for your continuous notification. Thank you. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये session अच्छा लगा होगा. We'll continue the session till the 1000 question is not over. Fine.